बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी। तो आपने कहा था कि स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर एनिमल पॉइजनिंग को या स्नेक की पॉइजनिंग को कवर करो। तो जो स्नेक पॉइजन्स होते हैं, स्पेसिफिकली आपको पता है कि स्नेक्स दो टाइप के होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। अब जो पॉइजनस वाले स्नैक्स हैं वो मेडिकली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही तो नुकसान पहुँचाएगी। नॉन पॉइजनस होते हैं, इनके जो वीनम होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, इनके जहर के अंदर जहर भी नहीं होता, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्नेक की पॉइजनिंग को कवर कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने एक बात पहले से कही थी जनरल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, अभी भी कह रहा हूँ। हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड है जिसके अंदर हमने पूरी स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के तमाम पॉइजन को एक फ्लो चार्ट के अंदर कवर कर लिया है। अगर आप वो क्लासिफिकेशन कर लोगे और तब आप ये वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एनिमल पॉइजनिंग किसके अंदर आती है। एनिमल पॉइजनिंग एनिमल इरीटेंट के अंदर आती है, एक होते हैं प्लांट इरीटेंट, एक होते हैं एनिमल इरीटेंट। तो स्नैक्स किसमें आते हैं? एनिमल इरीटेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक हो गया। स्नैक्स के बारे में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं, ओके। तो स्नेक्स के स्नेक्स को हम क्या कहते हैं? स्नेक्स को ओफीडिया बोलते हैं साइंटिफिक टर्म के अंदर, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है ओफीडिया, ठीक है। और आपको बताया था कि स्नेक्स दो टाइप के होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, लेकिन यहाँ पर पॉइजनिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे स्नेक्स की बात करेंगे जो हमारे लिए रिलेटिवली ज़्यादा मोहल्लिक हो गए थे, ज़्यादा पॉइजनस हो गए, ठीक हो गया। और कहते हैं कि जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं वो तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर 2% होते हैं, जो बाकी 98% होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। नॉन पॉइजनस वाले स्नैक के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, उसको बोलते हैं कोलम्ब्रीन, कहते हैं कोलम्ब्रीन। और इसके लिए मिमोनिक है, अगर आपने पढ़ा है स्टेफेलोकोकस ओरियस तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा मरसा, ठीक है। मरसा, बस मरसा में ए आता है उसको वी बना दो, तो एम से बनेगा मड स्नैक, आर से बनेगा रेड स्नैक, एस से बनेगा सैंड बोआ स्नेक और वी से बनेगा वाइन स्नेक। तो कोलाब्रिन स्नेक जिनको आप नॉन पॉइजनस स्नेक्स बोलते हैं उसका मिमोनिक मरसा बता दिया है, ठीक हो गया। तो कहते हैं कि तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर 2500 स्पीशीज़ होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 200 स्पीशीज़ होती है। स्नैक्स दो टाइप के होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, लेकिन पॉइजनस वो सिर्फ दो परसेंटेज होती है पूरी दुनिया में। और डिपेंडिंग अपॉन इनके जो टॉक्सिन्स होते हैं, इनके विनोम होते हैं, इनका मेकेनिज्म ऑफ एक्शन किया है, तो उनको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी को बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक, दूसरा होता है वेस्क्यूलर टॉक्सिक और तीसरा होता है मायोटॉक्सिक होता है। जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एलैपिड्स बोलते हैं, जबकि वेस्क्यूलर टॉक्सिक को वाइपर्स और कुछ बुक में मायोटॉक्सिक को भी एलैपिड्स बोलते हैं, ठीक हो गया। अब न्यूरोटॉक्सिक के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो दो सी और दो के आ जाती है, ठीक है। एक टीम का नाम होगा CSK है, ठीक है, तो आप उसको छोड़ो, इसको आप C2K2, ठीक है। तो एक सी से कोबरा कोरल, ठीक है, और एक के से किंग कोबरा और क्रैट, ये क्या होते हैं? न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, मतलब इनके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो करते क्या, इनका टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उन पे जाके एक्ट करते हैं। जिस तरह हमारे मोटर न्यूरॉन के ऊपर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स, नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स वाले काम करते थे, जो ट्यूबाकुलिन काम करता था, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे मोटर न्यूरॉन के ऊपर जाके काम करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ब्रेन के अंदर, और वहाँ पर उनकी डिस्ट्रक्शन करवा देंगे। जब मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा तो फिर मसल की फ्लैसिक पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक हो गया। स्पेसिफिकली फेस की, थ्रॉट की, रिस्पायरेशन मसल्स की पैरालिसिस होगी, डायफ्राम की पैरालिसिस होगी, तो डेथ भी हो सकती है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है न्यूरोटॉक्सिक का, ठीक हो गया। वेस्क्यूलोटॉक्सिक ऐसे पॉइजन्स या ऐसे स्नेक्स जिनके जो विनोम होते हैं, इनके जो टॉक्सिन्स होते हैं, किस पे जाके काम करते हैं? ब्लड वेसल्स के ऊपर जाके काम करते हैं। वेस्क्यूलोटॉक्सिक ब्लड वेसल में भी स्पेसिफिकली एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, और वहाँ पे एक्ट करने के बाद एंडोथेलियल सेल को उसके साथ साथ RBC इनके भी हेमोलिसिस करवा देते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मायोटॉक्सिक। अब नाम से तो लग रहा है कि मायोटॉक्सिक ये भी मसल्स पे काम करती है न्यूरोटॉक्सिक, लेकिन न्यूरोटॉक्सिक के मसल्स के ऊपर काम नहीं करते बल्कि नर्व के ऊपर जाके काम करते हैं, नर्व की डिस्ट्रक्शन करवा के मसल्स की पैरालिसिस करवा देते हैं, लेकिन ये सीधा जाके काम करेंगे मसल्स के ऊपर। और अगर रिस्पायरेटरी मसल डैमेज हो गया तो क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है, रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। इसकी तो हमने एग्जाम्पल को रट्टा मार लिया था। जो वेस्क्यूलोटॉक्सिक होते हैं इनके लिए वर्ड यूज होता है वाइपर्स। अब वाइपर्स भी यहाँ पर चार कैटेगरी के लिखे हुए हैं, पिट वाइपर, नॉन पिट वाइपर, रसल वाइपर्स और होते हैं सा स्केल्ड वाइपर्स, ठीक है, सा स्केल्ड वाइपर्स, ओके। तो आप इसको याद किस तरह से करना? SRNP से याद रखना, ठीक है, SRNP, ठीक है। S से क्या होगा? सा स्केल्ड वाइपर्स है, R से रसल वाइपर्स, N से नॉन पिट और ये पिट वाइपर्स, ठीक है। और ये वाले जो क्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं मायो के अंदर, जो सी क्रेट है, एक क्रेट वहाँ पे भी वर्ड यूज हो रहा है न्यूरोटॉक्सिक, क्योंकि वो सी नहीं था और ये ट्रू सी स्नेक, ठीक है, किसमें आता मायो टॉक्सिक के अंदर आता है, मायोटॉक्सिक के अंदर, ओके। अब इनकी थोड़ी बहुत वो एनाटॉमी को एक्सप्लेन करता है। आई थिंक एनाटॉमी शायद ये नेशनल जियोग्राफिक वाले, डिस्कवरी वाले, जो जूलॉजी वाले होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, वो पढ़ते होते हैं एनाटॉमी, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसकी एनाटॉमी को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायग्राम नहीं है और इसको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
ओके, तो पहले हम इनकी एनाटॉमी को पढ़ने से पहले हम इनके मोड ऑफ एक्शन को पढ़ लेते हैं, आसान से मुश्किल की तरफ। ठीक हो गया, तो पहले पढ़ लेते हैं एलैपिड्स। एलैपिड्स क्या करते हैं, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। अब इनके जो पॉइजन होते हैं, इनके विनोम होते हैं, वो मोटर न्यूरोन पर जाके काम करते हैं। जिस तरह ट्यूबरकुलिन होता है जो कि नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होता है, बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। एसिटाइलकोलाइन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल्स की वीकनेस हो जाएगी, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। कोबरा के बाइट से कन्वलियन, दौरे वगैरह पड़ सकते हैं, मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है। जबकि कराइट बेल्ट्स की वजह से क्या होगा, सिर्फ मसल्स की पैरालिसिस होगी, स्पेसिफिकली मसल्स ऑफ फेस, थ्रॉट और स्पाइनेशन। एक फर्क आप दोनों में नोट कर लेना, जो कोबरा अगर काटेगा तो सी से कोबरा, सी से कन्वलियन, पहले कन्वलियन होती है फिर पैरालिसिस होगा, लेकिन जो क्रेट बाइट है इसकी वजह से फौरन ही पैरालिसिस देखने को मिलेगी। इसके बाद है वाइपर्स। वाइपर्स वेस्कुलर टॉक्सिक पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। ये पॉइजन करता क्या है, ये विनोम जो सेल मेम्ब्रेन होती है, स्पेसिफिकली जो एंडोथीरियल सेल की होती है, आरबीसीस की होती है, उनको इनकी डिस्ट्रक्शन करवा देता है। इसके अलावा कोगुलेशन डिसऑर्डर भी करवा देगा। इसकी वजह से होगा कि एंडोथीरियल सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, आरबीसी ग्लाइसिस हो जाएगी, और फिब्रिनोजन की भी फिब्रिनोजन भी ज्यादा टूट जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया, ओके। तो ये काम करते हैं वाइपर्स, वी से वाइपर और वी से वेस्कुलर टॉक्सिक होते हैं, ओके। और सी स्नेक्स क्या करते हैं, मायोटॉक्सिक पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं, जो डायरेक्टली मसल के ऊपर जाके काम करते हैं। मायोग्लोबिन यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन काफी अबंडेंट होता है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा अगर डायाफ्राम को उन्होंने उड़ा दिया। ठीक हो गया, ओके। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस स्नेक्स। लैपिड्स को, वाइपर्स को, सी स्नेक को कैसे पहचानोगे। पहला पॉइंट होगा हेड का, इसके अंदर भी हेड आ जाएगा, ठीक है। तो हेड क्या होता है, हेड की जो विड्थ होती है वो नेक के तकरीबन बराबर होती है, किसकी, एलैपिड्स की। जबकि अगर आप सी स्नेक के अंदर देखो तो जिनका हेड होता है रिलेटिवली स्मॉल होता है, इनका हेड देखो इनका ट्राइंगुलर होता है और नेक से वाइडर होता है। ठीक हो गया। अब पीपल्स को देखते हैं, इनके पीपल राउंडेड होते हैं, इनके पीपल वर्टिकल होते हैं, इनके पीपल यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, वाओ, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पीपल के बाद इनके फैंग्स, फैन किसे बोलते हैं उर्दू में, ये वाला वर्ड आपने सुना होगा, फन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो इनके फन होती है, ठीक है। अब जो फैंग होते हैं, इनके शॉर्ट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ग्रूव होते हैं, लेकिन इनके फैंग ये शॉर्ट होगा, यहाँ पे लॉन्ग होगा, इनके फिक्स्ड हो गए, इनके मूवेबल हो गए, इनके ग्रूव हो गए, इनके कैनलाइज हो गए। ठीक हो गया। और आपसे वाइपर्स की याद रख लो, एलैपिड्स के और इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, यानी दोनों का हेड स्मॉल होता है, ठीक है, इसकी टेल फ्लैट हो जाएगी, इसका पीपल राउंडेड हो जाएगा, इसके फैंग शॉर्ट फिक्स्ड ग्रूव होते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे, ठीक हो गया, ओके। और इसके पीपल वर्टिकल हो गए, इसके राउंडेड होते हैं। अगर आपने डायग्राम देखनी है कि इनके पीपल किस तरह से होती है, इसके जो पीपल कुछ इस से होते हैं और इसके पीपल क्या होते हैं, इस तरह से वर्टिकल में पड़े होते हैं, इस तरह के होते हैं। पहले मैं एक डायग्राम देख लूँ दूसरी किताब से, तब आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आई एम सॉरी, डायग्राम मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है किसके लिए, पॉइजनस स्नेक्स के लिए। अब स्नेक्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्नेक विनोम प्रोड्यूस करते हैं। विनोम होता क्या है, विनोम क्या होता है, टॉक्सिक स्लाइवा होता है जो कि पॉइजनस स्नेक के पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार कह रहा हूँ, विनोम क्या होगा, पहले इनका स्लाइवा होगा लेकिन वो टॉक्सिक होगा। दूसरी बात, ये स्लाइवा प्रोड्यूस होगा स्लाइवरी ग्लैंड से। तीसरी बात, कौन सा स्लाइवरी ग्लैंड से, पैरोटिड से। कंपोजिशन क्या होता है, फिब्रिनोलेसिन। अब ये फिब्रिनोलेसिन क्या करवाते हैं, फिब्रिनोजन को उड़ा देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। जब फिब्रिनोजन नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। प्रोटीओलाइसिन, प्रोटीएज होती है, प्रोटीओलाइसिन, ठीक है, ये नहीं, ये प्रोटीन को उड़ाने वाले, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन ज़्यादा डोमिनेंट होती है लैपिड्स के अंदर। कोलिनेस्ट्रेस, ये भी किसके अंदर होगी, लैपिड्स के अंदर होगी, ठीक है। इसके अलावा हीमोलाइसिन, ब्लड को तोड़ने वाले ले, ठीक है, तो ये वाइपर्स के अंदर कॉमन होते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये भी वाइपर्स में होते हैं। इसके अलावा एग्लूटिनेंस होते हैं और कुछ कार्डियोटॉक्सिन्स होते हैं हार्ट को टारगेट करने के लिए, कुछ हाइलोरिनिडेज होते हैं, ठीक हो गया, ओके। जो स्नेक का विनोम होता है वो जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होता, और ये इफेक्टिव जब होगा, जब माउथ से सक करे, ठीक है, इफ देयर आर नो वुंड्स इन द माउथ। वैसे ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने क्या याद करना है, स्नेक विनोम की डेफिनेशन और उसकी कंपोजिशन याद रखनी है। फिब्रिनोलाइसिन, प्रोटीओलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, कोलिनेस्ट्रेस होते हैं, हीमोलाइसिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन वाइपर्स के अंदर कॉमन होते हैं, जबकि लैपिड्स के अंदर प्रोटीओलाइसिन और फिब्रिनोलाइसिन, ओके। तो मोड ऑफ एक्शन देख लिए, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स देख लिए हैं, इनकी नाइट में कभी नहीं कर रहे क्योंकि नाइट में याद भी नहीं होती और भूल जाती है, ठीक है। इसके अलावा और हम पॉइजनस स्नेक्स और नॉन पॉइजनस स्नेक्स, इनके डिफरेंस को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनका कोई ना कोई डिफरेंस वगैरह आ जाता है, ठीक है। पॉइजनस स्नेक्स, पहले जो डिफरेंस होगा इनके बैली स्केल्स का होता है, ठीक है, बैली स्केल्स का, लेकिन हम पहले हेड स्केल से स्टार्ट करते हैं। पॉइजनस स्नेक्स, इनके हेड स्केल स्मॉल होगी, इनके हेड स्केल्स क्या होगी, रिलेटिवली हम कह सकते हैं, ओके,
पॉइजनस इनके क्या हो गए, नॉन पॉइजनस के लार्ज होते हैं हेड के स्केल्स, ठीक है। लेकिन आपने एक बात नोट करनी है कि जो हेड का स्केल है वो बेली के स्केल से क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। यानी अगर इसका हेड स्केल स्मॉल है तो उसका बेली स्केल काफ़ी बड़े होते हैं, पूरी बेली को कवर करते हैं, लेकिन इसके बेली स्केल काफ़ी छोटे होते हैं। इनके टेल कंप्रेस्ड होगी, इनके टेल कंप्रेस नहीं होगी। जब ये बाइट साइड पर देखा जाए तो इनके दो फैंग्स मार्क्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके स्मॉल टीथ मार्क्स होते हैं, यानी ये काटते वगैरह नहीं है, नॉन पॉइजनस होते हैं ना। इनका हेड ट्राइंगुलर होता है जबकि इनका हेड राउंडेड होता है, पीपल वर्टिकल होते हैं, पीपल राउंडेड होते हैं। ये फर्क तो आपको मैं यहाँ पे भी बता चुका हूँ। वैसे राउंडेड पीपल किसके अंदर थे, एलापिड्स के अंदर थे, लेकिन एलापिड्स क्या थे, पॉइजनस थे। लेकिन जो वाइपर्स थे, वी से वाइपर, वी से वर्टिकल, तो वाइपर को अगर जहन में रखो तो आपको वर्टिकल वाला पॉइंट कवर हो जाएगा। अगर आप वो वाला पॉइंट कवर कर, वो वाला पॉइंट याद रखो, हेड का, हेड किसका स्माल था, सी स्नेक का, तो हेड इसमें क्या हो गया, स्माल होती है, ठीक है। हेड स्केल, बेली स्केल क्या हो गया, इसमें लार्ज हो गया, बेली स्केल वाला पॉइंट वैसे सी स्नेक में लिखा हुआ था, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपने पॉइंट्स कवर करने हैं, हेड से स्टार्ट होना, हेड के बाद क्या आएगा, हेड के बाद क्या आएगा, बेली स्केल्स है और हेड के अंदर फैंग्स होते हैं, ठीक है। फिर टेल आ जाएगा, हेड के ऊपर प्यूपिल होता है और हेड की शेप क्या होती है, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को आपने कवर कर लेना है। वन सेकेंड, इसमें कॉन्सेप्ट 0% है, इसमें रट्टा 100% है, लेकिन मैंने इसको शांत बनाने की कोशिश कर दी है, जो चीज़ मैंने अंडरलाइन की है आप उनको कर लेना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स, इसका ही डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आती होती है स्नेक से रिलेटेड। तो नेक्स्ट आ जाते हैं सिप्टम एंड साइन, साइन एंड सिप्टम क्या हो गए। पहले यहाँ पे वेस्कुलो टॉक्सिक वाइपर्स क्या हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जिस साइड पे उसने काटा होगा उस साइड पे उसके फैंग मार्क्स हो गए, ठीक है। उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, ये तो बात कॉमन है, ठीक है। और स्वेलिंग हो जाएगी जो ब्रूज के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, और ब्लड वहाँ से ऊजेज आउट हो सकता है। जनरल इफेक्ट क्या हो गए, अब वो वाले इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं, हीमोग्लोबिन, यूरिया, पेटिचुअल हैमरेज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, क्लॉटिंग नहीं बन पा रही, ठीक है, क्लॉटिंग सिस्टम डिफेक्टिव हो गया, ब्लीडिंग यहाँ से भी गम से भी होगी, हिमाप्टोसिस हो सकता है। हिमाप्टोसिस का क्या मतलब है, एक हिमाप्टोसिस और हिमाटोमेसिस में क्या फ़र्क होता है, हिमाटोमेसिस का मतलब है ब्लड इन वॉमिट और हिमाप्टोसिस का मतलब है, ठीक है, जो हमारा स्प्यूटम होता है। कोल्ड क्लैमी स्किन है, इसका मतलब शॉक हो गया है, डस्ट सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से हो सकती है, और अगर आपने किसी की डेथ करवानी है तो आपको 40 लेकर 50 मिलीग्राम पॉइजन चाहिए। मायोटॉक्सिक किसके ऊपर जाके काम करेगा, मसल्स के ऊपर जाके काम करेगा। कितने फैंग मार्क्स हो गए, इसमें 4 फैंग मार्क्स होते हैं, सी स्नेक्स है। लेकिन एक बात आप नोट करो कि जिस जगह पे काटेगा कोई पेन कोई स्वेलिंग नहीं होगी, इस केस के अंदर फैंग मार्क्स थे, इसमें भी थे, लेकिन यहाँ पर पेन और स्वेलिंग होती थी, यहाँ पर कोई पेन और स्वेलिंग नहीं होती। मसल्स की वीकनेस इसमें होती है, इसमें भी मसल की वीकनेस होगी। टोसिस, पहला इंपॉर्टेंट चीज, टोसिस और मसल जब डैमेज होगा तो मसल के अंदर जो पोटेशियम होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, हाइपरकलीमिया हो जाएगा, हाइपरकलीमिया की वजह से कार्डिक फेलियर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक में भी लोकलाइज और जनरल इफेक्ट। लोकलाइज क्या होगा, जहां पर उसने काटा उस जगह के ऊपर, यहां पर आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होगा, ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है कि अगर मैं कोई खुजाता हूं ना तो सबसे पहले स्किन क्या होती है, 3 कलर्स देखने को मिलते हैं, व्हाइट, रेड और येलो वाला, येलो होता है। चलो पेपर रिस्पॉन्स को रहता है वीडियो में कवर करेंगे। जनरल इफेक्ट में क्या होगा, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट, जैसे सीएनएस के अंदर लिथार्जी, मसल्स की वीकनेस हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी, वो भी फ्लैसिड पैरालिसिस, स्लाइवेशन वगैरह बढ़ती है, लेकिन इसके बाद स्पीकिंग में और स्वेलिंग करने में डिफिकल्टी होती है, जिसको बोलती है डिस्फोनिया और डिसफेजिया, ओके। टॉसिस वगैरह पैरालिसिस उसमें भी थी, ब्रीथिंग काफ़ी स्लो और लेबर्ड होना शुरू हो जाएगी, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि जो लैरिंजियल मसल्स है वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। फाइनली अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगी तो उसकी वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है, ओके। अब इसकी डायग्नोसिस किस बेस पे करते हो, ठीक है, डायग्नोसिस आप किन क्राइटेरिया के ऊपर, सबसे पहले कि हमारे बॉडी पार्ट में क्या होगा, जिस जगह पर उसने काटा है तो वहाँ पे फैंग मार्क्स हो गए, तो फैंग मार्क को आपने ढूंढना है, ठीक है। फिर सिप्टम और साइन हो गए जो कि किसी स्पेसिफिक स्नेक बाइट के हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्लड वाले देखने को मिलती है तो आपने जाना है किसकी तरफ, वेस्कुलोटॉक्सिक की तरफ। अगर मसल्स वाले देखने को मिलते हैं और ब्राउन यूरिन देखने को मिलता है तो मायोटॉक्सिक की तरफ। लेकिन अगर किसी की क्या होती है, स्लाइवेशन बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन उसको बोलने में काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा है, डिसफेजी हो गया, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया, तो आपने न्यूरोटॉक्सिक की तरफ जाना है। तीसरा लेबोरेटरी टेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपको कोलिनेस्ट्रेस वगैरह एंजाइम देखने को मिल सकता है, वॉशिंग के अंदर किसके अंदर होता है, लैपिड बाइट्स के अंदर। थ्रोमोप्लास्टिन आपको वाइपर्स के अंदर देखने को मिलता है, सी स्नेक के अंदर हाइपरक्लीमिया देखने को मिलेगा ईसीजी के अंदर। क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम भी ज्यादा हो सकती है, किस केस के अंदर होगा, ये वेस्कुलोटॉक्सिक के केस में होगा। वाइपर के केस के अंदर क्या होगा, फिब्रिनोलिसिन हमें देखने को मिलेगा, वंस अगेन एक्वस वॉशिंग के अंदर। तो ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। तो पहले क्या होगा, पहले आप क्या देखोगे, इंस्पेक्शन से, दूसरा साइन एंड सिप्टम होते हैं, तीसरा लेबोरेटरी टेस्ट होती है। फेटल पीरियड और फेटल डोज है, ये थोड़ी सी वही चीज़ आ गई है जो रट्टे वाली चीज़ है और ये याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करती है इसको याद करने की। 4
और 40, थोड़ा सा सिमिलैरिटी आपको लगी होगी। 4 का अगर स्क्वायर लो तो 16 बनता है, और 4 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो 40 बन जाता है। तो जो क्रेट होती है, क्रेट वो जो होते हैं लकड़ी वाली क्रेट होते हैं, मुझे वो लग रही है, लेकिन 4 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम, तो 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आप याद रख लेना, मे भी शायद थोड़ा बहुत आपके काम आ जाए, ठीक है। तो ये इनका क्या हो जाएगा, फेटल डोज हो जाएगा। उनका फेटल पीरियड क्या है, ये तो तकरीबन कुछ मिनटों के अंदर भी मौत हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए। सबसे पहले क्या होगा, विक्टम को मेडिकल एड सेंटर की तरफ शिफ्ट करना, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है एंटी वीनम थेरापी होती है और एंटी टॉक्सिक थेरापी होती है, जो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, और जनरल मेजर्स क्या होती है वो भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि कुछ ड्रग्स होती है जो कि क्या करती है, हमारे स्केलेटल मसल की पैरालिसिस को रिवर्स कर देती है, जिस तरह नियोस्टिग्मिन है, ठीक है, मगर ये हेपरिन और फिब्रिन जो हम वाइपर के अंदर देते होते हैं। इन सबको यहाँ से नहीं, बल्कि मैं आपको एक और किताब से दिखाता हूँ जहाँ से इसको याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है मैनेजमेंट, पहला कि विक्टम को शिफ्ट करना मेडिकल एड सेंटर में, ये बात तो शहबाज के अंदर भी थी। दूसरा, उसकी एनजाइटी और फ्राइट को ख़त्म कर देना ताकि शॉक ना हो सके। तीसरा, और इसके बाद क्या होती है कि कहते हैं कि सारे स्नैक्स पॉइजनस नहीं होते, मिसाल के तौर पर किसी को अगर सांप ने काटा लेकिन वो पॉइजनस नहीं था तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई पॉइजनस स्नैक्स है लेकिन उसके स्लाइवा के अंदर हमेशा पॉइजन नहीं होता, ठीक हो गया। और अगर इसके स्लाइवा में पॉइजन है भी सही तो वो इतनी लीथल डोज के अंदर इंजेक्ट नहीं करता। लीथल डोज आपको बता दिया ना, 416 और 40 वाली है, ठीक हो गया। एंटी वीनम वाली बात कहाँ पर लिखी हुई है, एंटी वीनम वाली बात, बल्कि हम इसको शहबाज वगैरह से ही कवर कर लेते हैं। ओके, तो एंटी वीनम थेरापी के अंदर क्या यूज़ करेंगे, हम एंटीबॉडीज़ यूज़ करेंगे जो कि वीनम के एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, वीनम लेते हैं, 4 पॉइजनस स्नैक्स का, कोबरा है, कॉमन क्रेट है, रसल वाइपर्स और सास के वाइपर्स होती है। फिर उनके वीनम को किसके अंदर डाल देते हैं, हॉर्स के अंदर, और जो एंटीबॉडीज़ बनेगी उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो क्या बन गया हमारा स्पेसिफिक एंटी वीनम थेरापी, एंटी वेनिन बोलते हैं। अब इनकी डोसेज क्या होती है, 70 kg एडल्ट पर्सन के अंदर फॉलोइंग डोज दी जाती है। पहले 20 ml जहाँ पर उसने काटा है, ठीक है, फिर 20 ml इंट्रामस्कुलर और 20 ml इंट्रावीनस, तो 20 का फार्मूला चलेगा, ठीक है, 20 20 20, ठीक हो गया। ओके, बस इसको आपने याद रखना है। ओके, और जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या देंगे, जैसे एलैपिड टॉक्सिन के अंदर नियोस्टिग्मिन है, एट्रोपिन की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये थोड़ा सा आपको ऑपोजिट देखने को मिलेगा, एट्रोपिन की एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, नियोस्टिग्मिन की भी कर रहे हैं न्यूरोटॉक्सिक के अंदर। तो आई थिंक जो एक्साइटेटरी न्यूरोन की एक्टिविटी को बढ़ा, यानी अगर एक्साइटेटरी न्यूरोन डैमेज हो गया, ठीक है, तो आप नियोस्टिग्मिन यूज़ करोगे, लेकिन अगर इनहिबिटरी न्यूरोन डैमेज हो गया तो आप एट्रोपिन यूज़ करोगे। इसके अलावा एट्रोपिन का एक और फायदा भी होता है जो आपको मैं फार्माकोलॉजी में बता चुका हूँ, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब हम आज के एट्रोपिन वाली वीडियो कवर करेंगे। इसके अलावा जो हेपरिन और फिब्रिनो जन होते हैं, ठीक है, ये देते होते हैं किसके अंदर, वाइपर्स के अंदर, क्योंकि इस केस के अंदर भी क्या होता है, ओके, फिब्रिनोजन हम क्यों देंगे, फिब्रिनोजन क्योंकि हमारा जो ब्लीडिंग वाला सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है, क्लॉट सिस्टम खराब हो गया, फिब्रिनोलाइसिन प्रोड्यूस करता है उसके पॉइजन के अंदर। तो नियोस्टिग्मिन आपने याद रख लेना, एट्रोपिन है, लेकिन यहाँ पे हेपरिन क्यों ऐड किया है, तो ये मेरा सवाल आप सब लोगों का है कि हेपरिन क्यों ऐड किया है। हालांकि हेपरिन एंटीकोगुलेंट है, पहले उनके अंदर क्लॉट नहीं बन पा रहा और हेपरिन देंगे तो मसला खराब हो जाएगा, तो उसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। जनरल मेजर्स क्या होगी, एपिनेफ्रिन देते हैं, एड्रेनालिन बोलते हैं जो कि शॉक को मिनिमाइज करने के लिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ताकि रेस्पिरेटरी फेलियर ना हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, ब्लैक कॉफी इसको तो छोड़ो, और बाकी स्टीरॉइड वगैरह, एस्पिरिन वगैरह, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किया, मॉर्फिन और अल्कोहल ही दी जाती है, क्योंकि पहले से इस केस के अंदर मायोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होता है, हमने मजीद डिप्रेस नहीं करवाना मॉर्फिन से और अल्कोहल से, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक था, वंस अगेन आपको मैं बार 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 कह रहा हूँ, ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, लेकिन अगर शायद मे भी ये वीडियो सुनने के बाद ये टॉपिक थोड़ा सा इजी हो गया होगा, 20 मिनट की वीडियो में अगर ये आपको याद भी हो गया है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। तो ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एप्लीकेशन ऑफ टॉनिक विट, अल्लाह हाफिज़।